हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फलक और आपका स्वागत है मेरे चैनल एफसी फूड पर। आज हम बनाने वाले हैं कर्नाटका की स्पेशल स्नैक रेसिपी जो कि है चक्कालू की, या फिर इसे पप्पू चक्कालू भी कहते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत ही क्विकली बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी रहती है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम गर्म करेंगे पानी एक कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में। तो मैंने तकरीबन यहाँ पे आधा कप पानी गर्म कर लिया है। यहाँ पर बाद में हमें थोड़ा सा और पानी लगेगा नीडिंग के लिए, तो वो भी हम गर्म पानी यूज करेंगे। अब यहाँ पर इस पानी में मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल थोड़ा सा अजवाइन से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और साथ ही में थोड़ी सी तिल भी डाल दी है। तिल इसमें नहीं पड़ती है लेकिन मैंने अपने से डाली है क्योंकि इसमें इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी लगता है। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे जीरा। जीरा डालने से भी जब खाने के टाइम पे इसका टेस्ट मुंह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो जीरा भी इसमें डाल दिया है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट का फ्लेवर है वो पानी में एब्जॉर्ब हो जाए। अब यहाँ पे चिली पाउडर डाल देंगे एक छोटा चम्मच, इससे भी जो तीखा फ्लेवर आता है चक्कालू में बहुत टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर जो चना दाल होती है वो मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगोई थी तो उसे यूज़ करूँगी, तकरीबन है ये 2 बड़े चम्मच भर के। और अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी में बॉईल आने देंगे। पानी में जब इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ जाए और सारी चीज़ें अच्छे से फ्लेवर रिलीज कर दे, तो इसमें थोड़ा सा डाला है नमक और फिर डाल देंगे राइस फ्लावर। तो हमें यहाँ पे राइस फ्लावर को भूनने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जो रॉ राइस फ्लावर होता है पैकेट से वो डाल सकते हैं। और अब इसे हमें अच्छे से करना है मिक्स। अब ये सारा एक साथ पानी एब्जॉर्ब करके यहीं पर तो डो बनेगा नहीं, हमें यहाँ पे इसमें लम्स तोड़ते हुए जितना पॉसिबल हो सके पानी में इसे एब्जॉर्ब करवाना है। अब यहाँ पर इस स्टेज पे डालेंगे या तो मेल्टेड बटर या फिर घी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे घी यूज़ की है, इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है और ये काफ़ी टाइम तक क्रिस्पी रहता है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जो घी हमने डाली है उसे भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पूरा जो हमारा आटा है उसमें वो मिक्स हो सके, और हमें यूनिफॉर्म मिक्सचर तो नहीं मिलेगा, ऐसा क्रम्बली या फिर ऐसा लम्पी मिलेगा, तो इसका टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये आफ्टरऑल हम नीड ही करने वाले हैं, तो फिर एक जगह पे ये आसानी से कंबाइन हो जाएगा। अब हमने गैस ऑफ कर दी है और जो हमारा मिक्सचर है उसे एक ट्रांसफर कर लेंगे मिक्सिंग बोल में, क्योंकि अब हमें इसकी करनी है नीडिंग, क्योंकि अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ा पाउडर्ड फॉर्म में ही है, तो जब हम इसका डो बनाएंगे तभी ही इसके आगे प्रोसेसिंग हो सकती है। तो पूरी तरह से इसमें से निकाल देंगे मसाला सारा, और जो कढ़ाई में लगा हुआ है उसे भी हम निकालेंगे जब हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी उसी में ही हम गर्म करने वाले हैं, तो जो कढ़ाई में लगा हुआ है वो भी वेस्ट नहीं होगा, हमारे डो के साथ में कंबाइन हो जाएगा। अब ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है क्योंकि जस्ट आपने अभी गैस बंद करके इसे ट्रांसफ़र किया है, तो इसे तुरंत हाथ नहीं लगाएंगे, या तो स्पैचुला या फिर ग्लव्स या फिर चम्मच की मदद से इसे हमें गूंदना है। तो थोड़ा थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि टच करने में ये गर्म लग रहा है, बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने इसे छुआ है। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी स्पैचुला ताकि इसमें जो गुठलियाँ दिख रही है उसे मैं थोड़ा सा बेक कर सकूँ, और इसकी जो मिक्सिंग है वो भी मेरे लिए इजी हो सके स्पैचुला की मदद से। तो पहले इसमें मैं पानी डाल दूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, जो कढ़ाई में हमने इसे बनाया था मिक्सचर को उसी में ही थोड़ा सा पानी डाला है, तो तकरीबन मुझे 1/2 कप पानी ही यूज़ हुआ था पूरे प्रोसेसिंग में। आपको हो सकता है ज़्यादा या फिर 1/2 कप पानी ही बस हो जाए, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके चावल के आटे की क्वालिटी पे। तो अब यहाँ पे पानी डालने के बाद में आप देख पा रहे होंगे कि इसकी मिक्सिंग जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई है और ये धीरे धीरे एक साथ कम्बाइन हो रहा है। अब ये थोड़ा सा छूने के काबिल हो गया था तो मैंने चम्मच हटा दिया है, स्पैचुला हटा दिया है, और इसे मैं हाथों से गूंद रही हूँ। अब इसे मैं अच्छी तरह से गूंद लूँगी। एक हमें बहुत ही ज़्यादा कड़क या फिर बहुत ही ज़्यादा नरम आटा इसका नहीं लगाना है। यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे और नमक, और जो ये ड्राई स्नैक्स होते हैं कभी भी इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ज़्यादा रखेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है,
क्योंकि हम इसे ऐसे ही खाने वाले होते हैं। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अच्छा खासा सेमी सॉफ्ट डो बनकर रेडी हो गया है। तो यही इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा कड़क आटा नहीं लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा गीला। ये इसका परफेक्ट टेक्सचर और कंसिस्टेंसी है, ये देखिए। अब हमें इतना बड़ा आटे का बॉल मिल गया है सिर्फ और सिर्फ एक कप आटे से चावल के। अब यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग इसका लॉग निकाल के रोल कर लिया था और इसके छोटे छोटे से पीस कट कर लिए हैं अपने अंदाजे से। तो आप पीस अपने हिसाब से कट कर सकते हैं जितने बड़े आपको चक्कलू के साइज चाहिए। मुझे इतना बड़ा चाहिए था, इसके लिए मैंने इतने साइज के डम्पलिंग्स इसके बना लिए हैं। अब इसकी चिपकने का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से स्टिक नहीं होते हैं। और आपने ये हाथ देखा होगा, मेरे हस्बैंड का था, जो इस तरह से इसे कच्चा ही खा लेते हैं। तो बड़ा टेस्टी लगता है ये, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर करना और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब यहाँ पे आप चाहे तो इन रोल जो हमने करके रखे हैं डम्पलिंग्स को, बेलन जो होता है चकला बेलन, उससे बेल सकते हैं थोड़ा सा चकले पे तेल लगा के। और अगर आपके पास टाइम सेव करने ऐसी मशीन हो, प्रेस मशीन कहते हैं इसे, ये मैंने केरला से स्पेशली मंगवाई है, तो आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा क्विकली कोई भी पूरी हो या फिर ऐसे चक्कलू हो तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब यहाँ पर मैं छोटे छोटे प्लास्टिक रख दूंगी इसके ऊपर ताकि ये चिपके नहीं, और फिर यहाँ पे एक एक यहाँ पे डम्पलिंग्स रखते हुए इसे प्रेस कर दूंगी। तो बहुत ज़्यादा इसे पतला या बहुत ज़्यादा जाड़ा नहीं रखना है, बिल्कुल मीडियम इसकी थिकनेस रखनी है। तो ये अच्छा क्रंची बनता है और बहुत ही क्रिस्पी रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक। आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में, तकरीबन हफ्ते भर से भी ज़्यादा ये रह जाता है क्रंची ही। इस तरह से मैं सारे शेप्स पहले बना लूँगी और फिर इसे एक साथ फ्राइंग के लिए रखूँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक उसे प्रेस करें फिर एक एक फ्राई करें, आप इस तरह से रखेंगे तो भी ये चिपकता नहीं है। अब इतने साइज़ की कढ़ाई में तकरीबन मैं 3 से 4 ही चक्कलू डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आप ओवर क्राउडिंग करेंगे तो बराबर इसमें क्रिस्पीनेस नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमें इसे डीप फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर, तो बिल्कुल भी हाई फ्लेम या बिल्कुल भी स्लो फ्लेम नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो ये जल जाएगा और अगर स्लो फ्लेम रखेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट भी बनेगा और प्लस बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 वर्जन बताए हैं, एक तो बेक वर्जन है और एक ही फ्राइड वर्जन है। तो फ्राइड वर्जन में आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स आ गए हैं, तो ये परफेक्ट निशानी है कि आपका जो चक्कलू बना है वो बहुत ही क्रिस्पी बना है। अवन में भी ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं लेकिन अवन में ऐसे बबल्स नहीं आते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है लेकिन चक्कलू खाना चाहते हैं तो अवन वाला वर्जन ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए हम उसे 180 डिग्री पे 25 मिनट तकरीबन बेक करेंगे और हमारा बिल्कुल टेस्टी चक्कलू बनकर रेडी हो जाएगा। और ये जो ऑयल में फ्राइड है ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है और इसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स कितने क्यूट लग रहे हैं। तो आप इसे शेजवान चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये यम्मी और टेस्टी रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट्स में भी बताएं। ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।